वेलकम टू द टॉपिक मास्टर। तो कैसे हैं आप सब? आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हीमोफीलिया। बहुत ही सिंपल है, बहुत अच्छी तरीके से हम इसको क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को और देखने वाले हम हीमोफीलिया। अब देखिए, हीमोफीलिया को खोजा किसने था? सबसे पहले जो इनके साइंटिस्ट आते हैं वो आते हैं जॉन ऑटो। इन्होंने पहली बार हीमोफीलिया के बारे में बताया कि हीमोफीलिया जैसे कुछ बीमारी हो सकती है। अब बात ये आती है कि हीमोफीलिया होती क्या है। तो होता क्या है बच्चा, इसमें क्लॉटिंग, अगर आप देखते होंगे कि आपके कभी चोट लगती है, ठीक है, तो आप देखते होंगे तुरंत क्लॉटिंग हो जाती है। 2 से 3 मिनट बाद वहां पर क्लॉटिंग हो जाती है और जो ब्लड आपका बह रहा था, ब्लीडिंग हो रही थी, वो बंद हो जाती है। लेकिन हीमोफीलिया जिसको हो जाती है ना, वहां पर अगर उसको चोट लगी तो चोट लगने के बाद होता क्या बच्चा, वहां पर जल्दी क्लॉटिंग नहीं होती। मतलब क्लॉटिंग में लगभग 24 घंटे 25 घंटे या इससे अधिक भी लग सकते हैं। यानी अगर जल्दी क्लॉटिंग नहीं होगी तो ब्लड लगातार बहता रहेगा और ब्लड बहने से रक्त की कमी होगी, जिससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। अच्छा, जो हीमोफीलिया होती है बहुत ही सिंपल सी बीमारी है, इसमें बहुत ज्यादा रटने वाली चीजें नहीं है। केवल एक चीज हमें समझनी है कि इसमें ब्लीडिंग जो होती है, मतलब जो क्लॉटिंग होती है, ब्लीडिंग के बाद जो क्लॉटिंग होती है वो लेट में होती है, इसीलिए इसको हम हीमोफीलिया बोलते हैं, क्योंकि यहां पर ब्लड का जो लॉस होता है वो अत्यधिक मात्रा पर हो जाता है, जिसको हीमोफीलिया होती है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब आगे बढ़ते हैं और देखिए, इस डायग्राम को अच्छी तरीके से समझते हैं तो हमें हीमोफीलिया और अच्छी तरीके से समझ में आएगी। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं इस डायग्राम को देखूं तो पहला जो स्टेज है वो नॉर्मल स्टेज है। ठीक है, अब सपोज दैट ये कोई सेल है, ये क्या है बच्चा, ये कोई सेल है। अब इस पर चोट लग गई, जब चोट लग गई तो आप देखेंगे इसमें ब्लीडिंग होने लगी है, ये ब्लीडिंग स्टेज आ गई। लेकिन अगर ऐसा हो कि ब्लीडिंग होने के बाद क्लॉटिंग हो ही नहीं रही, हम सामान्यतः तो क्लॉटिंग हो जानी चाहिए, सामान्यतः क्लॉटिंग 2 से 3 मिनट में हो जानी चाहिए, लेकिन यहां पर क्लॉटिंग तो हो ही नहीं रही, तो होता क्या है, लगातार ब्लड जो है वो बहता रहता है। अब इससे क्या होगा, ब्लड का लॉस होगा, और ब्लड का लॉस होगा तो होता क्या है बच्चा, अगर सामान्यता ऐसा ही ब्लड का लॉस होता रहा तो ब्लड की कमी आएगी, जिससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। अब देखिए, अगर ये वाला डायग्राम आप देखेंगे, 4th नंबर जिसमें मैं लिख रहा हूं, तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर क्लॉटिंग हो चुकी है। अब देखिए, यहां पर अगर क्लॉटिंग हो चुकी है तो ब्लड बहना बंद हो चुका है। ठीक है, तो ये क्लॉटिंग होना जरूरी होती है, सामान्यता व्यक्तियों में क्लॉटिंग हो जाती है 2 से 3 मिनट, लेकिन हीमोफीलिया अगर है तो इसमें टाइम लगता है, जिसकी वजह से ब्लड का लॉस होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब देखिए, यहां पर एक डायग्राम बना होगा, डायग्राम क्या, एक चित्र है, पिक है, जो है क्यून विक्टोरिया। अब देखिए, ये विक्टोरिया जो थी ये वाहक थी। बहुत बच्चे ऐसे पढ़ लेते हैं कि विक्टोरिया को हीमोफीलिया थी, लेकिन ऐसा नहीं था, ये केवल वाहक थी। अब क्योंकि ये मादा है, क्योंकि ये फीमेल है, तो आपको हम ऐसे लिखते हैं एक्स एच और एक्स, ये क्या थी, वाहक थी। अब इनके बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए, जो रॉनी विक्टोरिया थी ये किसकी थी, हीमोफीलिया की वाहक थी, पहला पॉइंट। अब देखिए, अगर ये वाहक थी तो असल में ये क्या थे, ये रॉयल लोग थे। ठीक है, रॉयल के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, क्योंकि रानी थी भाई, विक्टोरिया थी, विक्टोरिया रानी को नहीं जानता। ठीक है, तो ये विक्टोरिया जो थी, अब इनको हो गई डिजीज, तो इनका सब कुछ रॉयल तो था ही, इनकी बीमारी भी रॉयल हो गई। मतलब इस बीमारी को हम रॉयल डिजीज के नाम से भी जानते हैं। इसका नाम जो पड़ा वो किस कारण से पड़ा था, रानी विक्टोरिया को हो जाने के कारण, इसको हम रॉयल डिजीज भी बोलते हैं। अब भाई, इनका खाना पीना रहना वहना तो सब कुछ रॉयल है ही है, लेकिन इनकी बीमारियां भी रॉयल होती हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम इनको रॉयल डिजीज के नाम से जानते हैं। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब यहां पर मैंने नोट डालकर एक पॉइंट लिख दिया, जो कि अभी अभी मैंने आपको क्लियर किया है, कि सामान्यतः जो व्यक्तियों में क्लॉटिंग 2 से 3 मिनट में हो जाती है, परंतु अगर आपको हीमोफीलिया हो जाए तो इसमें 24 घंटे या इससे अधिक समय भी लग सकता है। ठीक है, ये चीजें मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दी है। अब देखिए, इसके टाइप्स की बात करते हैं, तो इसके मेनली 3 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं, मेनली 3 टाइप होते हैं, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी और हीमोफीलिया सी। अब हीमोफीलिया ए जो होता है वो 80% व्यक्तियों में अगर हीमोफीलिया हो रहा है तो वो हीमोफीलिया ए ही होगा, क्योंकि इसकी जो आवृत्ति है वो सबसे अधिक होती है। ठीक है, अब हीमोफीलिया ए हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके जो पॉइंट मैं बताने वाला हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भले ही एनसीईआरटी पर नहीं दिए हुए। एक चीज और यहां पर क्लियर करना चाहता हूं, केवल टाइप्स दिया हुआ है, इनके बारे में कुछ एनसीईआरटी पर नहीं दिया हुआ, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे आप एग्जाम देखेंगे, नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहां एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पहले मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, अब 80% में हीमोफीलिया ए, मतलब मोस्ट कॉमन जो हीमोफीलिया होती है वो हीमोफीलिया ए होती है, ये तो पहली बात रही। ठीक है, सबसे सामान्य होती है। अब इसमें कारक पाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं, हीमोफीलिया करते हैं। इसमें जो कारक होता है इसको हम क्या लिखते हैं, एक्स आई आई, इसको हम रोमन से दर्शाते हैं।
अब जो एक कारक होता है इसको हम बोलते हैं ए एच जी एंटी हीमोफीलिया ग्लोबिन, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है, जरूर आपको याद रखना है, बिल्कुल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस कारक की अनुपस्थिति रहती है, ए एच जी की अनुपस्थिति के कारण हीमोफीलिया ए देखने के लिए हमें मिल जाती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि ये अगर समयुग्मजी अवस्था में आया तो ये घातक जीन है। मतलब कहने का क्या है सर, मतलब ये है अगर समयुग्मजी फेज आती है, मतलब एक्स सी एक्स सी ये समयुग्मजी फेज है, तो ये घातक जीन है। और जब मैंने आपको घातक जीन पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था जो घातक जीन होती है उनकी भ्रूणा अवस्था पर ही संतान की मृत्यु कर देती है, मतलब एक्स सी और एक्स सी वाली मादा कभी देखने के लिए नहीं मिलेगी, यानी यहां हम कह सकते हैं कि कभी भी किसी भी मादा को हीमोफीलिया नहीं हो सकती, केवल वो कैरियर फेज में ही होगी। अगर हीमोफीलिया होगी तो उसकी मृत्यु भ्रूण अवस्था पर हो जाएगी, वो मादा पैदा ही नहीं होगी, वो फीमेल पैदा ही नहीं होगी, क्योंकि वो घातक जीन होती है। ठीक है, हीमोफीलिया ए टाइप नहीं देखा जाता, बाकी बी और सी मादा में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा पर बी और सी देखने के लिए मिलता है। अब देखिए यहां पर हम इसको आई एक्स से दर्शाते हैं इसके कारक को, और जो इसमें होता क्या है, इसमें पीटीसी कारक की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। अब ये पीटीसी क्या है, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन और कंपोनेंट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी आपको साथ साथ याद रखना है, दो के आप फुल फॉर्म याद रखिए चाहे ना याद रखिए, लेकिन जो हीमोफीलिया ए है उसका जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब हीमोफीलिया सी की बात करते हैं, तो इसमें जो कारक होता है वो लिखते हैं एक्स आई। ठीक है, अब देखिए इसमें जो कारक होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। अब देखिए इस कारक की क्या हो जाती है, अनुपस्थिति हो जाती है, जिसके कारण हीमोफीलिया सी हो जाती है। तो आपने देखा हीमोफीलिया ए में ए एच जी, हीमोफीलिया बी में पी टी सी और हीमोफीलिया सी में PTA की कमी होती है। अब यहां पर याद क्या रखना है आपको, जो हीमोफीलिया ए वाला है उसके AHG मतलब एंटी हीमोफीलिया ग्लोबिन ये फुल फॉर्म आपको जरूर याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बाकी बी और सी से तो काफी कम चांसेस रहते हैं, 90% चांसेस नहीं रहते हैं कि यहां से क्वेश्चन आएगा, 90% चांसेस यहां के रहते हैं हीमोफीलिया ए से कि हीमोफीलिया ए से क्वेश्चन पूछा जाता है, बाकी 10% चांसेस है कि बी और सी से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये चीजें आपको अच्छी तरीके से क्लियर हुई। अब हम आगे बढ़ते हैं और जीनोटाइप देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट होता है। मैंने वर्णांधता जब मैंने आपको कलर ब्लाइंडनेस पढ़ाई थी बिल्कुल सेम एज जीनोटाइप उसी की तरह होंगे, केवल सी की जगह एच लग जाता है। जब हम हीमोफीलिया पढ़ रहे थे तो हम एक्स सी एच अगर हम लिखते सॉरी एक्स सी वाई हम लिखते तो ये क्या था, ये मेल था जिसमें कलर ब्लाइंडनेस होती थी, लेकिन अगर मुझे वर्णांधता की जगह हीमोफीलिया लिखना है तो सिंपल सी बात है एक्स एच वाई लिख देना है, केवल सी की जगह वाई लगा देना है। इनके जीनोटाइप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जीनोटाइप नहीं आएगा तो आप कतई क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, 100% क्वेश्चन गलत करके आएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपको भाई जीनोटाइप ही नहीं पता तो आप क्रॉस कैसे करवाएंगे, सिंपल सी बात है। अब देखिए अगर मैं एक्स वाई एक्स एक्स की बात करता हूं तो नॉर्मल है, व्यक्ति में हीमोफीलिया नहीं है, लेकिन अगर मैं मैन की बात करूं उसके एक्स गुणसूत्र में एच आ गया, जहां पर एच किसको इंडिकेट करता है, हीमोफीलिया को, मतलब मेल को हीमोफीलिया हो चुकी है। लेकिन अगर फीमेल में यही चीज आती है एक्स एच मतलब यहां पर अब फीमेल को हीमोफीलिया हो चुकी है, लेकिन मैंने आपको बच्चा बताया था क्योंकि इस पर घातक जीन होती है, क्योंकि क्या होती है, इस पर घातक जीन होती है, मतलब ये जो डिजीज है अब ये मतलब फीमेल होगी नहीं, इसकी मृत्यु भ्रूणावस्था पर ही हो जाती है, क्यों, क्योंकि ये घातक जीन होती है। ठीक है, जो नेक्स्ट कंडीशन आती है वो कैरियर, अक्सर जो फीमेल देखने के लिए हमें मिलती हैं वो कैरियर फॉर्म में ही देखने के लिए मिलती हैं, जैसे आपने रानी विक्टोरिया को देखा वहां पर वो भी कैरियर फॉर्म में थी, क्यों, क्योंकि कैरियर फॉर्म में हो ही सकती है, जैसे इनको हीमोफीलिया होगा मतलब दोनों एक्स पर एच और एच आएगा, इनकी मृत्यु भ्रूणावस्था पर ही हो जाती है। ठीक है, मतलब ये कैरियर फॉर्म में अगर आपको लिखना है तो एक्स एच और एक्स से हम इसको कैरियर फॉर्म में लिखते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सपोज दैट आपसे कहा कोई आदमी है जिसको हीमोफीलिया है, ठीक है, कोई आदमी है जिसको हीमोफीलिया, वो क्या है, मेल है। अब मेल को आप ऐसे लिख सकते हैं, मेल को हीमोफीलिया तो क्या आप उसको ऐसे लिखेंगे, बिल्कुल आप ऐसे लिखेंगे। अगर फीमेल को फीमेल वाहक है, मतलब एक्स एच और एक्स यहां पर क्या हो गई, ये फीमेल हो गई जो कि वाहक है, तो इनके संतान में हीमोफीलिया की वो बताइए, रेशियो बताइए, तो सिंपल सी बात है आपको क्रॉस करा देना है। क्रॉस कराने के लिए आपको क्या करना है, यहां से आप सिंपल सी ये क्रॉस कराएंगे, यहां पर एक्स एच और एक्स एच आएगी, मतलब ये समयुग्मजी है और इनकी भ्रूणावस्था पर ही मृत्यु हो जाती है, मतलब जो संतानें होंगी केवल तीन संतानें ही हो गई, एक संतान तो भ्रूणावस्था में ही खत्म हो गई। ठीक है, अब इसका क्रॉस आप किसके साथ करा देंगे, इसका क्रॉस आप इसके साथ करा देंगे, तो एक्स एच और एक्स मतलब ये क्या हो गई, ये कैरियर फॉर्म में हो गई कि नहीं हो गई, ये
कैरियर फॉर्म में हो गई। ठीक है, अब इसी तरह आप वाई का क्रॉस पहले इसके साथ करा दीजिए, फिर इसके साथ करा दीजिए, तो अगली संतान दो संतानें भी आ जाएंगी। क्रॉस कराना मैंने आपको डिटेल में समझा रखा है, वैसे जो मैं नेक्स्ट लेक्चर लाने वाला हूं उसमें मैं ट्रिक बताऊंगा कि आप हीमोफीलिया वर्ड आंध्रता के क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए एक टाइप और यहां पर बचता है, कौन सा टाइप बचता है बच्चा, ये मैंने जब आपको पढ़ा रहा था एक्सरसाइज लग्नता पढ़ा रहा था तब मैं आपको तीन एग्जांपल मेन बताया था जिनमें ड्रोसोफिला की आंखों का रंग भी था। इनकी भी जीनोटाइप जो है वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्यों, क्योंकि इन जीनोटाइप बस याद कर लीजिए और कुछ इसमें नहीं पढ़ना, केवल जीनोटाइप, आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे, अगर आपको जीनोटाइप आते हैं तो आप क्वेश्चन बना लेंगे। अब देखिए अगर मैं यहां पर प्लस की बात करता हूं, एक्स प्लस वाई और x प्लस लाल आंखों को, ड्रोसोफिला में लाल आंखों को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, उसी तरह अगर मैं एक्स डब्ल्यू वाई की बात करता हूं और x प्लस एक्स डब्ल्यू की बात करता हूं तो ये भी लाल आंखों को दिखाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं एक्स डब्ल्यू की बात करता हूं तो ये सफेद आंखों को दिखाते हैं। सिंपल सी बात है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया तो पूछा जाएगा कि कोई लाल आंख वाला ड्रोसोफिला मेल है, मतलब उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, जैसे सामने आपको दिख रहा होगा बिल्कुल लिख सकते हैं, और कोई सफेद आंखों वाली क्या है, मेल मतलब फीमेल है। ठीक है, ड्रोसोफिला की तो यहां पर फीमेल है, सफेद आंखों को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इनका क्रॉस कराना है तो सिंपल सी बात है, क्रॉस मैंने आपको बताया अभी अभी बताया कि पहले इसका क्रॉस करा दीजिए, तो यहां पर एक्स प्लस एक्स डब्ल्यू मिलेगा, मतलब ये किस कलर की हो जाएगी। अब देखिए एक्स प्लस एक्स डब्ल्यू किसको इंडिकेट कर रहा है, रेड कलर को, तो इसकी जो आंखें होंगी वो रेड कलर वाली होंगी। ठीक है, अब इसका क्रॉस आप किसके साथ करा दीजिए, इसके साथ करा दीजिए, यहां पर भी एक्स प्लस और एक्स डब्ल्यू देखने के लिए मिलेगा, मतलब ये भी रेड कलर की आंखों वाली होगी। ठीक है, वैसे ही वाई का क्रॉस अगर आप पहले इसके साथ करा देते हैं तो यहां पर एक्स डब्ल्यू और वाई, मतलब एक्स डब्ल्यू वाई किसको इंडिकेट करता था, रेड कलर वाले को, सामने आपको दिख रहा होगा ये भी रेड कलर का होगा। ठीक है, अब इसका वाई का क्रॉस इसके साथ करा देंगे तो ये भी एक्स डब्ल्यू और वाई आ रहा है, मतलब ये भी रेड कलर का होगा। जितनी भी संतानें हैं उनकी आंखें रेड कलर की होंगी, यहां पर 100% जो आंखें आ रही हैं वो रेड कलर की आ रही हैं। सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केवल आपको क्रॉस कराना आना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर पर मैं आपको सिखाऊंगा कि आप क्रॉस कैसे करा सकते हैं, वैसे तो मैंने डिटेल में समझा रखा है लेकिन नेक्स्ट लेक्चर पर मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं, 10 सेकंड के अंदर आप क्रॉस करा पाएंगे और तुरंत बता देंगे, जो भी आंसर होगा आप तुरंत बताएंगे, रेशियो होगा, परसेंटेज पूछेगा या जो भी पूछेगा, आप 10 सेकंड के अंदर उसका आंसर देने में कैपेबल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि मैं आपको सुपर ट्रिक देने वाला हूं, वो भी नेक्स्ट लेक्चर पर, 2-4 मिनट का वीडियो होगा जिसमें मैं आपको कंप्लीट अच्छी तरीके से इन तीनों के क्वेश्चन कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कितने कंडीशन से क्वेश्चन बन सकते हैं, कंप्लीट जानकारी आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर पर दे दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय, मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर पर। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, मिलता हूं फिर आपसे मैं नेक्स्ट लेक्चर पर, थैंक यू।